नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो। तो बच्चों, एक कौवा था जो कि बहुत प्यासा था। बहुत देर तक इधर उधर उड़ने के बाद उसको एक पानी का जग दिखा, मगर जब उसने उसमें देखा तो पानी जो बहुत कम था, जिससे उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कौवे ने इधर उधर देखा तो उसे पास ही कुछ कंकड़ मिले। तो उसने दिमाग लगाया और क्या किया, उसने उन कंकड़ों को एक एक करके पानी में डालना शुरू किया। और जब उसने एक एक करके कंकड़ पानी में डाले तो कंकड़ नीचे बैठ गए और जो वो पानी था वो ऊपर आ गया और कौवे ने आसानी से पानी को पी लिया। तो इस तरह कौवे ने अपना दिमाग लगाकर अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब परेशानी आए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग लगाकर उस परेशानी को हल करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में।